अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहिल और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 31, जिसका टॉपिक है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फॉरम्स होते हैं जहां पे कोई भी बिजनेस ओनर जाके अपना अकाउंट या अपना बिजनेस ऐड करता है और हम उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी से उसका बिजनेस निकाल के उससे सर्विस के लिए टारगेट करते हैं कि हमसे सर्विस ले लो। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल बिजनेस आएंगे जिस तरह येलो पेजेस, यूरो पेजेस, ट्रस्ट पायलट, clutch.co, ये सारी के सारे जो प्लेटफॉर्म है हम इनको एक्सप्लोर करेंगे कि हम इनके ऊपर क्लाइंट फाइंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अच्छा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली TSG, येलो पेजेस और अदर डायरेक्टरीज। सबसे पहले हम देखेंगे कनाडा US डायरेक्टरीज, फिर हम clutch.co एक डायरेक्टरी उसे देखेंगे, यूरो पेजेस को देखेंगे और डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से उन वेबसाइट से को लिंक्डइन पे जाके उनका पर्सनल ईमेल निकाल सकते हैं या वेबसाइट से ही इवन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सिंगल क्लाइंट्स के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, सिंगल क्लाइंट्स और मल्टीपल क्लाइंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आम तौर पे जो डायरेक्टरीज होती हैं उसके ऊपर एक सिंगल पर्सन अपनी प्रोफाइल ऐड कर रहा था, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरी एक छोटी सी एजेंसी है तो मैं जाके अपनी एजेंसी या अपनी सर्विस को गूगल मैप पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, या हम स्पेसिफिकली येलो पेजेस, यूरो पेजेस या कहीं पे भी ऐड कर देते हैं। तो जो हम इन डायरेक्टरीज से क्लाइंट्स फाइंड कर रहे होंगे वो ज़्यादातर सिंगल क्लाइंट्स होते हैं। सिंगल क्लाइंट्स का पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, मतलब कि उनको अगर हम एग्री कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कि हमारे पास एक क्लाइंट था मेरे स्टूडेंट का, तो उसने उसको एग्री किया था कि वो कहते हैं कि मुझे चाहिए मार्केटिंग। हमने उसे कहा कि आप गेस्ट पोस्टिंग लें, आपकी जो है ना वह वेबसाइट प्रमोट हो जाएगी, और वो एग्री होगी थी। लेकिन उसका पोटेंशियल होगा एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, तीन से चार या इससे ज़्यादा जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाएगा। लेकिन अगर हम कोई एजेंसी वाला क्लाइंट फाइंड करेंगे जिस तक clutch.co आज देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो छोटी एजेंसीज होती है जिसके पास 9, 10, 5, 6 लोग हों, अब वो पर्सन एक स्पेसिफिक ऑफ पेज एसईओ के लिए पर्सन नहीं रखेंगे। तो अगर हम उनको टारगेट करते हैं कि भाई हमसे गेस्ट पोस्टिंग सर्विस ले लो, तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। अगर एक बड़ी क्लाइंट या एक बड़ी एजेंसी है जिसके पास 50 लोग है, तो डेफिनेट बात है उसने एसईओ के लिए 5-6 लोग अलग से रखे होंगे और उसमें से एक ना एक डेडिकेटेड ऑफ पेज एसईओ वाला पर्सन होगा। पहले ही उसके पास बहुत सी गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट्स होगी, तो वो हमें इस तरीके से अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाएगा, या वो हमारे ईमेल को जो है वो लुक आफ्टर कर कहेगा कि ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है, निगलेक्ट कर देगा हमारे जो है ना प्रपोजल को वो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना सिंगल क्लाइंट के लिए है या मल्टीपल क्लाइंट के लिए भी आप देख लेंगे। हम जा रहे हैं येलो पेजेस पे। अच्छा, येलो पेजेस, अच्छा येलो पेजेस हमारे पास क्या होते थे, बल्कि आप देख भी लेंगे yellowpages.ca। और अगर मैं इसको येलो पेजेस आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये चीज़ें होती थी। अब ये क्या थी, हमारे पास फोन डायरेक्टरीज जो पुराने ज़माने में हमारे घर पे फ़ोन होता था PTCL का, तो उसके साथ एक बड़ी सी बुक रखी होती थी। आजकल तो उसके ऊपर नान टिकी वगैरह मिलती है, तो उसमें क्या होता था, हमारे पास पूरे फैसलाबाद के या जिस भी आप कंट्री से हैं तो उनके एक एक पर्सन का फ़ोन नंबर लिखा होता था। तो अब समझ ले कि जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हुई तो ये फ़ोन डायरेक्टरी, ये बिजनेस डायरेक्टरी किसमें कन्वर्ट हो गई है, हमारी वेबसाइट में। पहले हम क्या करते थे, फ़ोन डायरेक्टरी से देखा कि ये वापडा का नंबर है और उनको कॉल करके कहा कि भाई यहाँ पे हमारी डी उड़ गई है। अब हम ऐसे नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, अब हम या तो सिंपल सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो गूगल मैप पे हमें बता देते हैं। तो गूगल मैप दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्टरी है, और इसके अलावा क्योंकि येलो पेजेस या यूरो पेजेस कंट्रीज में चलते हैं, तो इस वजह से येलो पेजेस जिसका 598K का मतलब है कि कैनेडा के अंदर और US के अंदर बहुत ज़्यादा जो डायरेक्टरीज है लोगों ने इसके अंदर ऐड की हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ कि आप प्लम्बर सर्च करें और यहाँ पे लोकेशन सर्च करें, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ SEO और साथ में मैं यहाँ पे कर देता हूँ लंदन। ठीक है, तो हमें
येलो पेजेस के ऊपर से एसईओ के रिलेटेड सर्विसेज जो लंदन के अंदर मौजूद है, जिन्होंने येलो पेजेस के अंदर अपनी आके सर्विस को ऐड किया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब डेफिनेट बात है, ये हमारे पास एसईओ सर्विसेज तो ये प्रोवाइड करे, तो हम इनको टारगेट नहीं करेंगे। हमने क्या बात की थी, हम किनको टारगेट करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स वाले और साथ ही साथ हमारे पास सर्विस वाले। तो हम यहाँ पे अगर कोई भी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट लिखते हैं, टी शर्ट, क्लोथिंग स्टोर लंदन के अंदर, मैं इसको सर्च कर रहा हूं। अच्छा, ये हमारे पास जो क्लोथिंग स्टोर आ गए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मल्टीपल क्लोथिंग स्टोर है, जिससे अब ये रूट्स है, तो ये मल्टीपल जगह पे नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा ब्रांड होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई हम आपकी मतलब कि एसईओ करेंगे, लेकिन वही वाली बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट्स अगर एक छोटा सा ब्रांड है, तो डेफिनेट बात है उसको पूरे जगह मतलब पूरे यूके के अंदर प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। अगर वो लंदन में है, कनाडा में है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, तो कहेगा मुझे लोकल एसईओ चाहिए। तो अगर आप थोड़ी सी लोकल एसईओ सीख लें, तो आप इसको एज अ लोकल एसईओ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी सिंपल वेबसाइट के ऊपर विजिट करूंगा और इसको जाके टारगेट करूंगा कि भाई आप हमसे गेस्ट पोस्टिंग ले सकते हैं कनाडा, और ये देखिए बल्कि कनाडा, यूएस और इंटरनेशनल। तो अगर ये ई कॉमर्स स्टोर है और वो पूरे कनाडा में सेल कर सकते हो, तो भाई आप इसको गेस्ट पोस्टिंग के लिए 100% कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ई कॉमर्स स्टोर हमारे पास निकला है। अगर ये कोई सर्विस होती उसके लिए भी आप कर सकते थे। तो आपको ये मैप मिल गया, जो क्लाइंट फाइंडिंग के क्लाइंट फीचर्स वाली चीज़ें वो भी आपको मिल गई हैं, आपको कनाडा और चैट नाउ का ऑप्शन, ईच एंड एवरीथिंग मिल रही जो एक क्लाइंट में होती है। तो आप इस स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट कर सकते हो, किसके लिए, क्लाइंट फाइंडिंग के लिए। इसके अलावा मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और अब मैं जाऊँगा लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर जाने के बाद मैं करूँगा roots.com और इसको सर्च किया। अब वो पर्सन आएंगे जिन्होंने roots.com अपनी प्रोफाइल में लिखा है। अच्छा, ये डॉट कॉम वाले आ गए हैं, डॉट कॉम वाले आ गए हैं, डॉट कॉम वाले आ गए, नहीं आया, ठीक है। मैं पीपल्स में जाता हूँ और पीपल्स में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि roots.com का जो पर्सनल ईमेल है वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका पर्सन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर डॉट कॉम रिमूव करता हूँ और एक बार इसको देखता हूँ। फीस एट रूट्स, रूट्स जो है ना वो मल्टीपल रूट्स स्कूल सिस्टम भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। रूट असल में बहुत कॉमन नेम है, इस वजह से हमें इसका जो है ना वो पर्सनल ईमेल मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें मिल गया येलो डायरेक्टरी से, येलो पेजेस से हम जाके निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम फ्रांस में चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फ्रांस की, तो इसकी जो है वो बहुत कम है ट्रैफिक, 2.63K है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं येलो पेजेस पे, सॉरी येलो पेजेस देख लिए हमने, यूरो पेजेस पे, ठीक है। यूरो पेजेस को हम ओपन करेंगे, तो ये हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन देगा। हम कहते हैं हमें इंग्लिश में चाहिए, तो हमें स्पेसिफिकली इंग्लिश के रिलेटेड वो दिखाएगा। अब 942 मतलब कि इसके पास भी बहुत थोड़े से पेजेस हैं। सेम हम येलो पेजेस की तरह यहाँ पे एक्टिविटी, प्रोडक्ट या कंपनी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। यूरो पेजेस क्योंकि यूरोपियन साइट पे लोगों ने भी ऐड करना था, तो उन्होंने येलो पेजेस की तरह यूरो पेजेस भी कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हम जाते हैं क्लच डॉट को। अच्छा, क्लच डॉट को एक वेबसाइट है जिसके ऊपर एजेंसी अपने आप को ऐड करती हैं। तो अगर आप येलो पेजेस से निकाल रहे हैं या यूरो पेजेस से निकाल रहे हैं या कोई और सिंगल डायरेक्टरी से निकाल रहे हैं, तो आपके पास सिंगल क्लाइंट्स ज़्यादातर आएंगे। लेकिन अगर आप क्लच डॉट को पे आते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि है ही बिजनेसेस, तो आपको ज़्यादातर बिजनेसेस ही मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं आईटी सर्विसेज में जाता हूँ और मार्केटिंग में जाता हूँ, तो ये देखें एसईओ, एसईओ मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो अगर हम ईमेल मार्केटिंग को करेंगे, तो इसका मतलब है गेस्ट पोस्टिंग, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग की ही एक शाख है जो हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो अगर इसके रिलेटेड हमारे पास साइट्स ओपन होंगी, तो वो हमारे पास क्या होंगी,
ज़्यादातर जो के गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है, और हम उनको भी ऑफर करवा सकते हैं कि भाई हमसे गेस्ट पोस्टिंग ले लो। अच्छा, इसके अंदर ये थोड़ा सा आपने गौर करना है, स्पॉन्सर स्पॉन्सर, तो अगर आप काफ़ी नीचे तक भी जाते हैं तो आपको यहाँ तक स्पॉन्सर मिल रहे हैं, तो ये ऊपर वाले लोगों ने पैसे दे के ऊपर आए हुए हैं, यहाँ से आपकी ओरिजिनल रिजल्ट शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ना ऑनवर्ड कर सकते हैं कि आपके ये इतने प्लस डॉलर कर चुके हैं, ये 10 से 49 इनके पास जो है वो इनके अपने मतलब इम्प्लॉयज हैं, और उसके बाद ये आयरलैंड के अंदर है। अच्छा, अब हम इसको सिंपल विजिट साइट और अगेन साइट को जो हमारे पास सर्विस चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, इनको तो डेफिनेट बात है कि हमारे पास इनका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होगा, और वहाँ से हमें इसका जो सीईओ है या सेल्स पर्सन जरूर मिल जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको विजिट कर रहा हूँ आपको एक फ्लो दिखाने के लिए, लेकिन हम टारगेट करते हैं ज़्यादातर जिनके एम्प्लॉयज़ कम हैं। ठीक है, अब मैं इसकी सिंपल वेबसाइट को कॉपी किया, लिंक्डइन में गया, लिंक्डइन पे जाने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया और इसको सर्च किया, ये बेसिकली इनकी वो आ गई है, और ये इसका फाउंडर है, मैनेजर एंड ग्रीन इंडिया लिंक्डइन मेंबर। मैं इसके पीपल में क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास, अच्छा जिस तरीके से अब ये पर्सन है ये लिंक्डइन मेंबर, मतलब कि इसके पास मेरे पास कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये मेरे कनेक्शन से बाहर है। ठीक है, तो अब इसमें अच्छा ये देखिए ये क्या है, शोपीफाई डेवलपर है यहाँ पे, और हमें चाहिए साथ में, मैं एसईओ सर्च कर लेता हूँ तो स्किल एसईओ लंदन दिल्ली, नहीं ठीक है, पीपल फिल्टर लगा लिया, ये फिल्टर लगा लिया। अच्छा, इसके अंदर एक ये भी हमारे पास जो है ना वो फिल्टर होता है, ठीक है, करंट कंपनी, तो हमारे पास ये बेसिकली उन्होंने कंपनी पेज बनाया होगा और हमें दिखा भी है कंपनी पेज, तो हम इसको सिंपल ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वाली कंपनी में से पर्सन चाहिए जिसके अंदर क्या आता हो एसईओ। अब वो एसईओ ढूंढेगा, पीपल्स ढूंढेगा, और कंपनी कौन सी फिल्टर करेगा, ये वाली। तो अब ये हमारे पास एक पर्सन आया है जो कि एसईओ भी करती है, शोपीफाई डेवलपर भी है इसकी एसईओ, मतलब कि ये एक छोटी कंपनी है जिसने अपने आप को थोड़ा सा बढ़ करके दिखाया हुआ है उसके अंदर, और ये बेसिकली एसईओ या एचटीएमएल, एसईओ फ्रेंडली एचटीएमएल वैसे इसने लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक ही पर्सन ऐसा है जो इसमें से हमें निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें एक और मसला भी है कि ये मेरे कनेक्शन से जो बाहर मेरे पास पर्सन हैं जिससे ये थर्ड कनेक्शन में है तो मेरे पास आ रहे हैं, जो जो मेरे कनेक्शन से बाहर पर्सन है तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन हम इससे भी बात करके कह सकते हैं कि हमें जो अपने एसईओ मैनेजर का जो है ना वो कॉन्टैक्ट दे दो या उससे हमारा रابطہ करवा दो, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका होता है कि हम किस तरीके से स्पेसिफिकली क्लच डॉट को से, अब ये एक पूरी कंपनी है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं एज अ एजेंसी कि आप जो अपनी सर्विसेज दे रहे हो इसके अंदर आप हमारी पूरी एजेंसी की भी सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बल्क में ऑर्डर्स देंगे, जो येलो पेजेस या योरो पेजेस हैं वो बल्क में ऑर्डर्स आपको नहीं देंगे। अच्छा, इसके अंदर से एक चीज़ है कि हम किसको टारगेट करते हैं, 50 10, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे जिस तरह ये है। ठीक है, अब ये कंपनी है जिसके अंदर पर्सन कम है, 2 से 9, सिर्फ 2 से 9 लोग हैं। अच्छा, अब इनको जब हम टारगेट करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि 2 से 9 है तो इसका मतलब इनके पास लोग कम है, और जब हम इनको कहेंगे ना कि आप हमारी एजेंसी की सर्विसेज ले लो कि हम जो आपका जितना भी गैस पोस्टिंग वाला काम है हम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो कहेंगे डन है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को कहेंगे तो इनके पास हो सकता है कि पहले 50 से 150 या 250 लोग हैं, तो उनके पास एक पूरा अपना एसईओ का ऑफिस पहले से मौजूद होगा, तो ये हमें जो है ना वो घास नहीं डालेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, ओके, ओपन वेबसाइट योर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और है, ये बेसिकली स्टूडेंट ने ढूंढा था, ट्रस्ट पायलट, हमें पता भी है, इसके ऊपर रिव्यूज देते हैं,
और बेसिकली आपका दिमाग चलना चाहिए। आपने क्लाइंट फाइंडिंग करनी है तो आप सोचोगे यार कहाँ से हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत से लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये ट्रस्ट पायलट पे हमें ये सर्विस ओरिजिनल देगा कि नहीं देगा। लोगों ने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया होता है, लोग आके यहाँ पे रिव्यू देते हैं कि भाई ये इसकी ओरिजिनल सर्विस थी, इसकी सर्विस अच्छी थी या नहीं थी। जिस तरीके से हम IMDb के ऊपर जो है वो फिल्मों को रेटिंग्स दे रहे होते हैं, तो इसी तरीके से लोग यहाँ पे रेटिंग्स देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी जाके कहते हैं दो कैटेगरी सर्विस या ई कॉमर्स, तो हम देखते हैं फर्नीचर्स। अगर आपके पास होम इम्प्रूवमेंट की साइट्स अवेलेबल है तो आप फर्नीचर वाली से क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास आ रहे हैं 914, 25,000, 106, तो हम इनको नहीं टारगेट करेंगे। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे, जो पहले इतने ज़्यादा रिव्यूज ले चुके हैं, वो तो हमें कहाँ से नहीं डालेंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ 70, ज़्यादा दूर हो जाना है अब। अच्छा, ये वो वाले पर्सन है जिन्होंने बिल्कुल भी लिया नहीं है, तो हम इनको टारगेट कर सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे, मतलब कि हम ज़्यादातर उनको टारगेट कर रहे थे जिनके एक रिव्यू से लेके कोई 25-26 इतने रिव्यूज़ हों, ताकि इनको भी हम कर सकते हैं लेकिन इनमें थोड़े से चांसेस कम होते हैं। या इन्होंने अपने आप को ऐड ज़रूर किया है, तो कई बार लोग ऐड करते हैं उसके बाद काम छोड़ देते हैं। इवन इनकी कुछ की वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो शायद ओपन भी ना हो। ठीक है, तो हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास क्लाइंट है अच्छे वाले। और साथ ही साथ हम एक से लेके आप 100 तक लगा लें, एक से लेके जिनके 100 तक रिव्यूज हैं, या आमतौर पे हम 25 या 50 तक ही करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। तो 100 तक वैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि इनको हम टारगेट कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। अच्छा, इसकी भी ईमेल वही वाला तरीका है, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट का नाम जो है वो कॉपी करेंगे। ठीक है, और उसको लिंक्डइन में जाके सर्च करेंगे कंपनी में। ठीक है, अगर तो हमें यहाँ पे मिल जाए, नहीं मिली। ठीक है, कंपनी नहीं मिली, इसका मतलब है हमें यहीं पे इसको सर्च करना पड़ेगा, और इसमें से हम इसको रीसेट कर देते हैं। ये नाम पीपल, और यहाँ से अब हम वही वाले तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्राई है, आपको मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन बार बार हमारा काम ये है कि हमने क्लाइंट्स निकालने हैं। ठीक है, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।